हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए दो रायतों की रेसिपी लाई हूँ जो झटपट बनने वाली है, जिसे आप रोटी, चपाती या चावल के साथ खा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पालक रायता कैसे बनाते हैं उसकी विधि देखेंगे। रायता बनाने से पहले आप पालक को अच्छी तरह से 2 या 3 बार धो लीजिए और फिर बारीक काट कर रख दीजिए। पालक रायता बनाने के लिए हमको 1 बाउल पालक, कुटी हुई काली मिर्च 1 चम्मच, हरी मिर्च 1, चाट मसाला आधा टीस्पून और 1 कप दही की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम एक कढ़ाई गरम कर लेंगे, उसमें 2 टीस्पून तेल डाल देंगे और आधा चम्मच जीरा और उसी के साथ आधा चम्मच राई या सरसों डाल दीजिए और थोड़ी देर चला लीजिए। 2 मिनट चलाने के बाद हमने जो पालक काट के रखा था वो उसमें डाल देंगे और साथ ही में 1 हरी मिर्च भी डाल देंगे। थोड़ी देर चला लेंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, हींग आधा टीस्पून और नमक 1 टीस्पून। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। 1-2 मिनट मिलाने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक पकने दीजिए। 5 मिनट बाद पालक को एक अलग बाउल में निकाल कर ठंडा कर लीजिए। अब पालक को दही में मिला दीजिए और साथ ही में चाट मसाला और कुटी हुई काली मिर्च भी डाल दीजिए और अच्छे से मिला दीजिए। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो लीजिए, हमारा पालक रायता बनकर तैयार है, जो बहुत ही स्वादिष्ट है और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके आपके कमेंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं ककड़ी रायता बनाने की विधि, जो बहुत ही आसान है और साथ में बहुत ही स्वादिष्ट भी है। ककड़ी रायता बनाने के लिए हमें थोड़ा सा धनिया पत्ता, 1 चम्मच राई या सरसों और 2 हरी मिर्च, या आपको तीखापन पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। हमें इन तीनों चीज़ों को एक खलबत्ता में दरदरा कूटना है। यहाँ पर मैंने एक ककड़ी या खीरा ले लिया है और उसे बारीक ऐसे एक क्रशर की सहायता से बारीक काट लिया है। ये करीब 1 बाउल ककड़ी होगा। अब रायते में डालने के लिए हमें तड़के की ज़रूरत होगी। उसके लिए मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है और 1 चम्मच राई और 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। अब इसमें 1 या 2 लाल सूखी मिर्च डालकर गैस बंद कर दीजिए और थोड़ा सा हींग भी डाल दीजिए। अब हमने एक बाउल में ककड़ी को कट करके रखा था, उसी बाउल में दही ऐड कर देंगे करीब 1 कप, और जो हमने कूट करके रखा था हरी मिर्च, कोतमीर और राई वो भी डाल देंगे और ऊपर से तड़का भी डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक ये भी डालकर अच्छे से मिला लेंगे। हमारा ककड़ी रायता बन करके तैयार है। यह रेसिपी आप ज़रूर बनाकर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट है और साथ में बहुत ही आसान है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।